तो कैसी है जनता, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक, निफ्टी 50 के ऊपर आज हम बात करने आ रहे हैं कि आज वो डेट हो चुकी है 6 मार्च। ओके, 6 मार्च में निफ्टी 50 के हम लोग के क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। पहले आ चुके हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक, आप लोग देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप लोग गौर करें ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग के पुराने वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप पहले वाले वीडियो में देखिए जाके, वहाँ पर भी हम लोग के बने हुए यही एरिया यही लेवल्स। ठीक, अब आप लोग नोटिस करिएगा यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू बनता हुआ आ रहा है। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को डब्ल्यू बनता हुआ आ रहा है, माना कि बड़ा डब्ल्यू नहीं मगर एज एन डब्ल्यू के डब्ल्यू जैसा है। देखिए यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे अप थोड़ा हुआ, फिर वापस फॉल आया, फिर अप जा रहा है। ओके, अब ये एग्जैक्टली डब्ल्यू के नेकलाइन पर पहुँच चुका है। ठीक, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक, मिल रहा है ना, आप लोग खुद भी देख लिए, आप खुद भी एनालाइज करके देखिएगा एक बार अपने आप से, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। ओके नाइस, अब चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं हम लोग अराउंड वन डे वन आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए वन आवर के टाइम फ्रेम में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इसने मूविंग एवरेज पर से सपोर्ट लिया था। ओके, और उसके ऊपर से चेहरना ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया था इसने। ठीक, और अभी जाके अपने रेजिस्टेंस पे ही रुका हुआ है। अब आप लोग देखिए रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से देखिए इसको इसने कितने बार यहाँ से रिजेक्शन पाया, इसमें 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसने बार बार यहीं पर टाइम स्पेंड करा है, अच्छा खासा टाइम इसने यहाँ पे एक्सपेंड करा हुआ है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं एक चीज़ और, मैं वेट मिनट इसको हटा देते हैं, पहले देखते हैं इसको, सारी ड्राइंग्स हटाते हैं फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं अगले टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये हो गया हम लोगों ने वन डे के वन आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग को बता दिया। अब हम लोग को मेनली करना क्या, आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग का क्या लॉजिक रहने वाला है और क्या क्या ट्रेड्स बन सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसने जब मार्केट अपसाइड जा रहा था यहाँ पे इसने एक छोटा सा वो लिया था, मतलब यहाँ पे रुका था। आप लोग प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट चलता है आप लोग हमेशा पता है, और मैं हर वीडियो अपने यही कहता हूँ, यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ओके, सो जो अभी ये पे है सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला इस एरिया पे। ठीक, तो अभी ये क्या कर सकता है, या तो यहाँ पे आके अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक हो। ठीक, या तो यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे और फिर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड में जाए। हम लोग के इतने दो सिनेरियो बनते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब मेनली हम लोग का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि नैसडैक और डाउ जोन्स तेजी में बंद हुए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो हम लोग को अपसाइड का मूवमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट लग रही है। ओके, सो अपसाइड का हम लोग को क्या सिनेरियो रखना है, जब तक ये अच्छा जो रेजिस्टेंस एरिया है अच्छे तरीके से ब्रेकआउट नहीं कर देता हम लोग को अच्छा खासी तेजी ऊपर साइड में नहीं दिखने लगती। वॉल्यूम हम लोग की मेन इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम हम लोग की बढ़ती हुई आनी चाहिए। जैसे हम लोग की वॉल्यूम बढ़ती हुई आएगी हम लोग को अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखेगा। ठीक, और बिना तो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे, आराम से ट्रेड लेंगे जिसमें हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिल सके। ठीक, अब देखते हैं ऊपर के हम लोग के लेवल्स क्या हो सकते हैं, टारगेट्स जो होते हैं मेनली। देखिए ऊपर को हम लोग को बड़ा टारगेट दिखने को मिल रहा है 1759 का आसपास, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अराउंड दिस लेवल पे हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन्होंने पहले से ट्रेड होल्ड करके गए होंगे उनको गैप अप हो सकता है, उनको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो आप लोग वेट करिएगा, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर देता है तो आप लोग उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइएगा। ठीक, अगर ब्रेक डाउन नहीं करता वापस इसी को पर वापस मूवमेंट दिखाता है अपसाइड में, धीरे धीरे अपसाइड में स्लो एंड स्टडी अपसाइड दिखाने लगता है, तो आप लोग अपसाइड के ट्रेड में बने रहिएगा। ओके, सो दिस वॉज द व्यू ऑफ बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, निफ्टी 50। मैं बैंक निफ्टी का इससे पहले डाल चुका हूँ, अगर आप लोग को बैंक निफ्टी का भी देखना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो और ये कोई भी ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं था, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। मैं अपना जो सिनेरियो था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।